व्हाट इज अप एवरीवन, आज भी टाइम आ चुका है यहाँ पर इस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन बनाने का। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, प्रॉब्लम की जो भी होता है मुझे नहीं मालूम। यहाँ पर मैंने क्या किया है कि इसको सॉर्ट कर लिया है, सॉर्ट बाय न्यूएस्ट फर्स्ट कर लिया है अपने जो सारे कमेंट आए हुए थे इस वीडियो में। अब मैं यहाँ पर करने क्या वाला हूँ कि यहाँ पर एक एक करके सारे कमेंट्स तो बाद में पढ़ूंगा, अभी मैं आ जाता हूँ यहाँ पर अपने विजुअल स्टूडियो कोड में और यहाँ पर एक नई फाइल बनाता हूँ जिसका नाम मैं रखूँगा प्रैक्टिस प्रॉब्लम 2.py। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इस प्रैक्टिस प्रॉब्लम 2 को। तो देख लेते हैं एक बार प्रैक्टिस प्रॉब्लम 2 क्या थी। प्रैक्टिस प्रॉब्लम 2 थी हमारी डिवाइड दी एप्पल्स। यहाँ पर हैरी पॉटर के पास एन एप्पल्स थे और हमको ये फाइंड आउट करना था कि वो एन एप्पल्स किसी एक गिवन नंबर में बढ़ सकते हैं या नहीं बढ़ सकते। तो इनपुट में हमें तीन चीज़ें लेनी थी, एक तो नंबर ऑफ एप्पल्स जितने हैरी के पास हैं और एक द मिनिमम नंबर एंड द मैक्सिमम नंबर। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लिखूँगा कि एप्पल्स इज इक्वल टू इंट ऑफ इनपुट ऑफ, यानी कि इंटीजर में टाइप कास्ट कर दो इनपुट को, जो भी इनपुट आने वाला है यहाँ पर। और मैं यहाँ पर लिख दूंगा एंटर द नंबर ऑफ एप्पल्स, नंबर ऑफ एप्पल्स, ठीक है इतना काफ़ी है। अब यहाँ पर एप्पल्स वेरिएबल के अंदर मेरा आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा एप्पल्स वेरिएबल के अंदर कितने एप्पल्स थे ये आ जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ तो थोड़ा अच्छे से दिखे आप लोग को। इसके बाद मुझे यहाँ पर लिखना है एंटर, एक मिनट रुक जाओ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ एम एक्स और यहाँ पर एक मैंने एम एन भी लिखना था तो मैं एक एम एन लिख देता हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर मैं लिखूँगा इनपुट, इंट ऑफ इनपुट लिखूँगा, बेसिकली इनपुट इंट अपनी इनपुट। और इसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा एंटर द मिनिमम नंबर टू चेक। और एक काम करते हैं यार, इसको थोड़ा सा कॉपी करते हैं, थोड़े से आलसी आप लोग भी बनो यार, कॉपी पेस्ट करना सीखो। और यहाँ पे बैकस्लेशन ऑब्वियसली यहाँ पर मैं बनाऊँगा, कंट्रोल सी से कॉपी करूँगा और यहाँ पर ऑल्ट दबा के ये दो जगह क्लिक करूँगा, दोनों जगह कर्सर आ जाएगा, यहाँ से हटा देता हूँ, कंट्रोल भी करूँगा तो यहाँ पर आ गया देखो। तो मैं काम करता हूँ सिर्फ इतना प्रोग्राम चेक कर लेता हूँ पहले। यहाँ पर मैंने क्लियर नहीं किया अपना कंसोल, मेरा कंसोल क्लियर क्यों नहीं हो रहा है। हाँ मेरा कंसोल क्लियर हो चुका है, मान लो 45 लिखा, यहाँ पर 34 लिखा और 23 लिखा, बढ़िया सारे इनपुट सही से आ रहे हैं, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर एक व्हाइल लूप फॉर लूप मुझे डिसीजन लेना है कि क्या लगाना है और उसके बाद मैं करूँगा क्या। मुझे ये देखना है कि क्या एक गिवन नंबर एप्पल्स का डिवाइज़र है कि नहीं, यानी कि नंबर ऑफ एप्पल्स जो है उसका डिवाइज़र है कि नहीं। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ फॉर आई इन रेंज और यहाँ पर क्या लिखूँगा एम एक्स टू एम एन, ठीक है। और अभी के लिए मैं यहाँ पर अगर लिख दूँ प्रिंट आई तो आप लोग यहाँ पर देखना क्या होगा। अगर मैं प्रिंट आई लिख दूँ तो मान लो मेरे एप्पल्स हैं मान लो 34 और मेरा मिनिमम नंबर 3 है, मैक्सिमम नंबर 8 है। तो आप लोग देखोगे 3 से 7 तक गया सिर्फ, 8 को इसने नहीं चुना, लेकिन हम चाहते हैं 8 को भी चुने, इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे एम एन प्लस 1। तो ये चीज़ आप लोग को यहाँ पर थोड़ा ध्यान देनी थी। और मैं देखता हूँ अभी कमेंट्स में कितने लोगों ने एम एन प्लस 1 लगाया, जिन्होंने फॉर लूप यूज़ किया है। अब यहाँ पर मैंने आप लोग को आउटपुट का फॉर्मेट पूरा दिया था, ये देखो ये दिया था। और यहाँ पर एफ स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह काम आएगा, तो मैं एफ लिख देता हूँ पहले और इस तरह मैं लिख देता हूँ। और मैं यहाँ पर लिख दूंगा आई इज़, या तो इज़ अ डिवाइज़र ऑफ होगा या इज़ नॉट अ डिवाइज़र ऑफ होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इज़ अ डिवाइज़र ऑफ और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं क्या, वो नंबर एप्पल्स है वो नंबर, ठीक है। अब यहाँ पर मैं चेक करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा इफ एप्पल्स परसेंट एम एक्स परसेंट आई इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि अगर एप्पल्स डिवाइड हो जाता है आई से तो क्या होगा, ये डिवाइज़र होगा वरना नहीं होगा, एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा एल्स प्रिंट और इसके बाद मैं यहाँ पर प्रिंट एफ नहीं है ये सी वाला, ये प्रिंट है बस, यहाँ पर एफ स्ट्रिंग यूज़ की हुई है प्रिंट के अंदर, आई इज़ नॉट अ डिवाइज़र ऑफ एप्पल्स। यहाँ पर ज़रा देखता हूँ चला के, मान लो एप्पल्स हैं 50, मिनिमम नंबर 2, मैक्सिमम नंबर मान लो 10, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है, कह रहा है 2 इज़ अ डिवाइज़र, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 है। तो ये था इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जैसे ही क्लिक करेंगे वहाँ पर मैं आप लोग को एक कोड दे दूँगा। एक बार वॉक थ्रू करवाना चाहूँगा आप लोग को इस प्रोग्राम से और इसके बाद हम लोग शाउट आउट देंगे उन लोगों को जितने भी लोगों ने सॉल्व किया था इस प्रोग्राम को। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, शुरू में आएंगे यहाँ पर, देखो एप्पल्स लिखा है मैंने, एप्पल्स इज इक्वल टू मैंने इंटीजर में टाइप कास्ट किया। देखो जो भी इनपुट का हमारा आता है इनपुट, जो भी इनपुट की रिटर्न वैल्यू होती है वो एक स्ट्रिंग होती है, इसलिए अगर हम एक नंबर इनपुट करवा रहे हैं तो हमको उसको इंटीजर में टाइप कास्ट करना पड़ेगा। ये काम मैंने किया, एरर हैंडलिंग नहीं किया मैंने यहाँ पर, मैं फिर से बता रहा हूँ आप लोगों को। और ये मैं एक क्विज की तरह आप लोगों को देना चाहूँगा, मैं आप लोगों को बताता हूँ इशू क्या है प्रोग्राम में।
देखो मैं 45 टाइप करूंगा, लेकिन एक ऐसा बंदा हो सकता है जो ये टाइप कर दे तो प्रोग्राम एरर थ्रो कर देगा, और एरर थ्रो नहीं करना चाहिए प्रोग्राम को आपको कभी भी, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कर लो, प्रोग्रामिंग जावास्क्रिप्ट में कर लो आप लोग, कभी भी आप लोग को ऐसा प्रोग्राम नहीं लिखना है कि उसमें एरर प्रोड्यूस कर पाए। कोई बंदा उसमें एरर प्रोड्यूस ही नहीं कर पाए, एरर हैंडलिंग ऐसी करनी है आपको कि जैसे गलत इनपुट डाला वो बता दे कि भाई इनपुट ही गलत है, ऐसे आप लोग को बनाना है अपना प्रोग्राम। तो मैं ऐसे प्रोग्राम को बनाने में ज़्यादा विश्वास रखता हूँ, तो इसलिए मैं आप लोग को एक क्विज़ देता हूँ कि आप एरर हैंडलिंग करो, मैं देखता हूँ कितने लोग नीचे चैलेंज एक्सेप्टेड लिखते हैं और कितने लोग सॉल्व करेंगे इसको। खैर मैं प्रोग्राम डिस्कस कर रहा था तो वापस आ जाता हूँ प्रोग्राम में। मैंने एप्पल्स को इनपुट ले लिया कि कितने एप्पल्स हैं हैरी के पास, वो इनपुट कर दो। फिर एम एक्स मैंने बोला वो कौन सा मैक्सिमम नंबर है। अब यहाँ पर मैंने देखो एम एक्स और एम एन को वो कर दिया, एम एक्स मिनिमम था और यहाँ पर मिनिमम मिनिमम दोनों साइड लिख दिया, तो यहाँ पर मैक्सिमम लिख देता हूँ और इसको एम एक्स और एम एन को यहाँ पर स्विच कर देता हूँ, और मिनिमम मैक्सिमम होता है तो एम एन और एम एक्स कर देता हूँ उसको, और ये अब थोड़ा सही दिख रहा है, मैंने पहले गलत किया था। फिर सिंपली मैंने एक फॉर लूप चला दिया जो कि एम एन से लेके एम एक्स प्लस वन तक जाएगा, यानी कि अगर एम एन की वैल्यू 3 है, एम एक्स की वैल्यू 5 है, तो मेरी वैल्यूज होंगी आई की 3, 4 और 5, एज सिंपल इज दैट। तो यहाँ पर सिंपली अगर मैं इसको रन करूँ अभी अपने प्रोग्राम को, मान लो 45 डालूँ, तो 45 एप्पल्स 2 से लेकर 9 तक कितने बच्चों में बट सकते हैं। तो यहाँ पर देखो ये बट सकते हैं 2 में, नहीं 2 में नहीं बट सकते, 3 में नहीं बट सकते, 4 में नहीं बट सकते, 5 में बट सकते हैं, 6 में नहीं बट सकते, 7 में नहीं, 8 में नहीं, 9 में बट सकते हैं। तो ये सिंपल है अभी, मैं आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा लॉजिक सब लोगों को। और अब आ जाते हैं यहाँ पर अपने कमेंट्स में, और वहाँ पर मैं देखता हूँ शाउट आउट कौन कौन शाउट आउट का हकदार है। तो SM गेमिंग, रोहन दास, अतीत चौहान, अनीश जैन, और अनीश जैन ने यहाँ पर सॉल्व किया है तो इनको एक बिग सुपर शाउट आउट, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर सॉल्यूशन पोस्ट किया है और इन्होंने भी वही वेरिएबल्स यूज़ किए हैं जो मैंने किए हैं, लोअर बाउंड अपर बाउंड, इन्होंने अच्छे वर्ड्स यूज़ किए हैं। मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, मैंने मैक्सिमम नंबर मिनिमम नंबर लिखा है, लोअर बाउंड अपर बाउंड ज़्यादा सेंस बना रहा है। खैर इस तरह की जो चीज़ें ये मैं यही मैं आप लोगों से सीखता हूँ। देखो इन्होंने दिस की स्पेलिंग गलत लिखी है, तो अनीश भाई दिस की स्पेलिंग सही कर दो एडिट करके कमेंट अपना। फिर अभिराज है यहाँ पे, सुरेंद्र भास्कर है, अभिनव माथुर है, अपूर्व श्रीवास्तव, हिंदुस्तानी सपोर्टर, इनका नाम है निखिल राज पांडे हिंदुस्तानी सपोर्टर का। फिर रोहित मिश्रा, अंजलि नायक, और इसके साथ साथ हमारे आर राज स्पेस, भाई अपना नाम भी मुझे बता देना कमेंट में कभी ताकि मैं आपका नाम ले पाऊँ। फिर ऋषु रावल, विशु रावल को एक बहुत बड़ा शाउट आउट फिर से। यार देखो विशु रावल को एक और मैं बड़ा शाउट आउट इसलिए देना चाहता हूँ क्योंकि इन्होंने ट्राई एक्सेप्ट का यूज़ किया है। देखो ये देखो इन्होंने यहाँ पर ट्राई एक्सेप्ट का यूज़ किया है, तो एक बार बहुत क्विकली विशु रावल का प्रोग्राम रन कर लेते हैं, ठीक है, बहुत जल्दी मैं रन करना चाहूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आप लोगों का। और मैं विशु रावल का प्रोग्राम रन इसलिए कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ rough.py लिख लेता हूँ, कोई भी रफ प्रोग्राम रहेगा वो यहाँ रन करूँगा, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि मैं अलग से रन करना चाहता हूँ मैं यहाँ पर करूँगा। तो मैं रन करता हूँ, एंटर द वैल्यू ऑफ एन 56, 4 और 8, और ये देखो दिस कैन नॉट बी द रेंज एज द मिनिमम शुड बी लेस देन मैक्सिमम। अच्छा तो मैक्सिमम पहले इनपुट करा रहे हैं। चलो देखो ये एरर हैंडलिंग देख रहे हो आप कितनी बढ़िया की है इन्होंने। मान लो मैंने अभी लिखा 5 और फिर उसके बाद लिखा 2, और ये देखो यहाँ पे 2 से लेके 5 तक आ गया। तो यार मज़ा आ गया विशु रावल भाई, मज़ा आ गया सही में, मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ इन सब चीज़ों को। मान लो मैं कुछ ऐसे लिख देता हूँ, तो देखो कह रहा है एंटर इंटीजर्स ओनली, एरर नहीं देगा प्रोग्राम कभी भी। देखो इसने बोला एंटर इंटीजर्स ओनली, ये वो प्रोग्राम है, इस तरह का प्रोग्राम मैं चाहता हूँ आप लोगों को, आप लोग इस तरह का प्रोग्राम लिखें और इंस्पिरेशन ले। और शांति भूषण को भी एक बहुत बड़ा शाउट आउट। सो यार मैं आशा करता हूँ समझ में आएगा आप लोगों को, यार वीडियो को लाइक तो कर दिया करो कम से कम यार, और मैं काफ़ी मेहनत से आप लोगों के लिए इस तरह के वीडियोस लेकर आता हूँ, और ये जो पाइथन का कोर्स है ये भी आप लोगों ने मोटिवेट किया तभी मुझे पॉसिबल हो पाया है। तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि यार लाइक वाइक कर दिया करो थोड़ा सा, और उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जितने भी लोगों ने शेयर किया पाइथन ट्यूटोरियल फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर्स इन हिंदी अपने कॉलेज के प्रोग्रामिंग ग्रुप्स में, अपने स्कूल के प्रोग्रामिंग ग्रुप्स में। मुझे मालूम है कि थोड़ा सा टाइम लगता है जब आप व्हाट्सएप उठाते हो, फ़ोन उठाते हो, लेकिन यार जब आप ये काम करते हो और उससे अगला बंदा मोटिवेट होकर और वीडियोज़ बनाता है तो सीरियसली ये काफ़ी अप्रिशिएबल है, और इस तरह का कोई भी यार आप काम करते हो तो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएबल है। सो यार अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मैं आशा करता हूँ आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया होगा और पसंद किया होगा इस वीडियो को। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वीडियो को शेयर मत करना भूलना यार आज, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।